कैसा? जी सर, 15 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं, ठीक है? जी सर, मुझे बुला ले। ओके। पापा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। नहीं, वो मैं देख रहा था कि वो आपको ब्रीफिंग दे रहा था, आप उसकी बात भी नहीं पूरी शायद सुन रहे थे, कोई क्वेश्चन भी नहीं किया आपने उसको। सर में थोड़ा दर्द है शायद। तो आप घर जाइए, मैं संभाल लूंगा काम। नहीं, बस एक ब्लैक कॉफी पिला दो मुझे, सर में दर्द है। ब्लैक कॉफी? हाँ प्लीज। सर वैसे बेहतर होगा कि आप बस घर चले जाएं, आई विल मैनेज। नहीं मैं ठीक हूँ। यू शो? यस। जी एक ब्लैक कॉफी प्लीज सर, जल्दी। थैंक यू। बाबा के कातिल मैं हूं। मैंने मारा है बाबा को। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही ना, मैं उस दिन शर्त मनवाती ना बाबा की जान जाती। ये बात सुनो अनुषा, कोई किसी को नहीं मार सकता। भाईजान का वक्त आ चुका था, उन्हें अल्लाह ने अपने पास बुलाया था। किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान की जान ले सके। इस ताकत पे सिर्फ अल्लाह पाक ही कादिर है, कोई और नहीं। लोग ऐसा क्यों कहते? कौन लोग? खुर्शीदा आंटी वगैरह। मैं घर आ रही थी, वो लोग गेट पे खड़े हुए थे और मुझे देख के उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी। किन लोगों की बातों में आ रही हो? तुम्हें पता है वो दो औरतें अपने दरवाजे पे खड़े होकर सारा दिन यही बातें करती हैं। जानती हो मोहल्ले वाले उनके बारे में क्या क्या बातें करते, अंदाजा है? कभी कभी मुझे भी ऐसी लगता है हूँ। काश मैं वो सब ना करती, काश मैं पहली दफा में बाबा की बात मान लेती तो बाबा जी। वो अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हें? तो बस भरोसा है अम्मू, लेकिन मुझे सुकून क्यों नहीं आता? सब ठीक हो जाएगा।